कथा आज से प्रारंभ होगी जैसा टॉपिक दिया गया है, लेकिन उसके पहले हम कुछ प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं। ये प्रश्न कल आया है, उसका उत्तर अभी दे देते हैं, नहीं तो कथा में तो फिर याद आएगा कि नहीं। प्रश्न है कि 18 बार सेनाएं आई, लेकिन कृष्ण जी 17 बार सेना का संहार किए, एक बार सेना के साथ क्या हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। कल की कथा से हम लोग है, कल ऐसे प्रसंग बस जरा संध के आक्रमण की चर्चा कर रहे थे। वह 23 औखड़ी सेना लेकर के मथुरा पर 18 बार आक्रमण किया। तो प्रथम बार आया और कृष्ण बलराम गए पूरा सेना का संहार करके और घोड़ा पर आदमी पर लाद करके सब सामान मथुरा में ले गए। युद्ध होता है, विजय प्राप्त होने पर धन की भी प्राप्ति होती है। वो राजा लोग गहना पहने रहते हैं वो सब तो जो विजय प्राप्त किया उसका हुआ, लेकिन भगवान जानते थे कि इतना से मानेगा नहीं। बलराम जी तो मारना चाहते थे, भगवान छोड़ दिए थे, कह दिए कि इसको छोड़िए। तो दोबारा सैनिक लेकर के आया, फिर आक्रमण किया, फिर भगवान उसको परास्त किए। तो ऐसे 17 बार सेना का संहार किए। अब है तो 17 बार आक्रमण किया तो एक पैटर्न बन गया, एक डाटा से अनुमान हो गया कि अब कितने दिन के अंतर में आक्रमण कर रहा है। और कृष्ण बलराम पहले से ही सशंक थे कि अब तो फिर आक्रमण करेगा ही 18वीं बार, और तब तक काल जवन आक्रमण कर दिया और वह तीन करोड़ सेना लेकर के, और उसको कोई योद्धा मिल ही नहीं रहा था उस लड़ने के लिए। नारद जी बतला दिए अरे कृष्ण यादव है, उसका रंग रूप भी बतला दिए, सावने रंग का है, बनमाला पहनता है, वो तुम्हारे शायद सामने टिकेगा, वही एक बीत लग रहा है। वो आया वो मथुरा को घेर लिया। अब भगवान सोचे कि तो काल जवन इतनी बड़ी सेना लेकर के आक्रमण कर दिया और जरा संध भी अब आक्रमण करने वाला ही, उसका भी टाइम लगभग पूरा हो गया था। तो भगवान चिंता में पड़े कि अब काल जवन के साथ मैं युद्ध करूं और तब तक जरासंध आक्रमण कर देता तो बहुत भारी क्षति होगी, या तो मथुरा के लोगों को ध्वस्त कर देगा, मार देगा, या पराजित करके सब धन छीन करके ले जाएगा। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो भगवान सबसे पहले अपनी प्रजा को सुरक्षित किया, अपने संकल्प से ही समुद्र में 12 योजन मतलब 44 कोस के विस्तार से एक नगर बसा दिए और मथुरा के प्रजा को जो जैसे था, जो सोया था वो सोए अवस्था में, जो स्नान कर रहा था स्नान अवस्था में, वैसे ही द्वारका में शिफ्ट कर दिए। पहले प्रजा को सुरक्षित कर दिए और इसके बाद नगर से बाहर निकले। नगर से बाहर निकले तो पैदल ही निकल गए और कुछ आयुध नहीं लिए थे। नारद जी जैसा विवरण दिए थे तो काल जवन समझ गया कि श्री कृष्ण यही है,
सांवला शरीर है, वनमाला धारण किया है और यही श्री कृष्ण है, लेकिन ये पैदल है, कोई इसके पास आयुध नहीं है, कोई रथ नहीं है, तो सोचा कि हम भी पैदल ही इस पर आक्रमण करें, तो रथ इत्यादि को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। वो भगवान को गाली देना प्रारंभ कि अरे पुरुषार्थम, अपने तरफ से तो गाली दे रहा था लेकिन सरस्वती जी तो प्रशंसा ही कर रहे थे। अब तो भगवान देखे कि आक्रमण कर रहा है, हमारे तरफ लपक रहा है, तो भगवान भागना प्रारंभ किया, तो वो भी पीछे से दौड़ा, तो हस्त प्राप्त विवक्त, भगवान ऐसे दौड़ रहे थे कि एक दो हाथ का, एक हाथ का अंतर रहता था, वो सोचता था कि अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे तो बस पकड़ ही लेंगे, लेकिन भगवान भी वैसे ही स्पीड बढ़ाते जाते थे। और दौड़ते दौड़ते उसको मुचकुंद के गुफा में ले गए, धौलपुर ले गए, और वहां तो इतना क्रोध में था कि कुछ विचार नहीं किया, मुचकुंद महाराज को लात मारा और अपने पाप से उनके दृष्टि से यह भस्म हो गया, वो तो भस्म हो गया, एक काम पूरा हो गया। अब भगवान उसके सेना का संहार किए और जो भी धन प्राप्त हुआ तो उसको घोड़ों पर गधों पर लाद करके कृष्ण बलराम ले आ रहे थे मथुरा, और तब तक जरासंध आक्रमण कर दिया। अब जरासंध आक्रमण किया तो कृष्ण बलराम अभीत भूरी भीतवत अब वहां से भागे दौड़े, यद्यपि उनको कोई भय नहीं था लेकिन उनका ऐसा व्यवहार लग रहा था कि बहुत डर रहे। तो जरासंध कहा कि भागने से छोड़ेंगे, वो अपने सेना को कहा कि पीछे से आओ और रथ लेकर के दौड़ा। अब तो भगवान दौड़ते दौड़ते थक गए कृष्ण बलराम, और एक पर्वत था, पर्वत का नाम है प्रवर्षण, उधर हमेशा पानी होता रहता है, तो घना जंगल था और उसी में दोनों छिप गए कृष्ण बलराम। अब जरासंध तो उनको खोजने का प्रयास किया लेकिन कहीं पता नहीं चला, तो कहा कि अच्छी इसी जंगल में है ना, उसके पास तो भारी सेना थी, तो ईंधन जुटाया, वो पर्वत था, वन था, तो ईंधन जुटा करके पूरे पर्वत में ही आग लगा दिया, चारों तरफ से सूखी लकड़ी रह करके पर्वत में आग, कि होंगे कहीं तो जल करके खत्म। अब तो आग सब जगह से लग गई और कृष्ण बलराम उधर से निकले और 11 योजन मतलब 44 कोस, कितना 88 माइल हो जाएगा, मैं उतना ऊपर से कूदे और कूद करके द्वारका में चले गए। अरे उतनी बड़ी सेना थी और उनको कूदते हुए कोई देखा नहीं, तो कहें कि इतना फुर्ती से दोनों भाई कूदे, किसी का ध्यान नहीं गया। यह दूसरी बात है कि आग लगाया था, तो आग लगने पर बहुत धुआं सब जगह हो गया था, तब धुआं में कहां दिखाई दे रहा, और कृष्ण बलराम दोनों भाग करके चले गए, रणछोड़ उनका नाम पड़ गया। लेकिन फिर प्रश्न कोई पूछेगा कि 17 बार पराजित किए तो इस बार भाग क्यों गए, इसके पीछे कारण यह था कि जरासंध ब्राह्मणों का भक्त था, उस 17 बार पराजय हो गए, अब अगले युद्ध के तैयारी के पहल है वो ब्राह्मणों को निमंत्रित किया और खूब अच्छा से उनको भोजन कराया, तब ब्राह्मणों को अच्छा भोजन मिले तो दक्षिणा मिले तो जय जय करने ही लगते हैं, तो कहने लगे कि तुम्हारा विजय हो जय हो, तो कह के अच्छा बोल रहे हैं ना, लेकिन कदाचित पराजय हो गया, विजय नहीं हुआ तो छोड़ूंगा नहीं,
पेट फाड़ करके सब निकाल लेंगे। तो भगवान को यह बात पता थी, तो भगवान तो ब्रह्मांड देव है, अपना भले ही पराजय स्वीकार कर लेंगे, ब्राह्मणों को क्यों कष्ट देंगे। तो अठारहवीं बार भगवान भाग गए और वो खोजा नहीं मिले तो लौट आया कि अब मर गया, बिला गया, जो हुआ अब क्या करना। तो अब समझ में आ रहा है ना कि अठारहवीं बार क्या हुआ। अच्छा, एक प्रश्न है कि हमने ऐसा सुना है कि जप करने से ही भागवत सुनने में रुचि होती है, क्या ये सच है? और अगर सच है तो कैसे? क्योंकि हम बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं जो नाम जप नहीं करते लेकिन उनकी भागवत सुनने में रुचि है। अब ये माता जी कहाँ से सुनी है? हम तो झूठ है सच है ये सुनने वाला सुना है कि ऐसे ही लिखा है, कहने वाला कहा है नहीं कहा है, ये झूठ सांच का हम निर्णय नहीं करेंगे। अच्छा, जो यह क्लेम कर रहा है कि हम देखे हैं कि कुछ लोग जप नहीं करते हैं और भागवत में उनकी रुचि है, तो यह भी मैं नहीं मानता कि देखने वाला का बहुत व्यापक दृष्टि है, उसके दृष्टि में ही सब संसार आ गया। तो दो चार लोगों को देखा होगा, लेकिन जहाँ तक भागवत पढ़ने की बात है, इसमें रुचि की बात है, तो प्रारंभ में ही प्रश्न किया गया और उत्तर दिया गया है कि जिस व्यक्ति का अपने स्वधर्म के पालन करने से और भगवान की कथा में रुचि नहीं हुई तो वह सब उसका बेकार है, केवल श्रम मात्र है। अभी प्रश्न खड़ा होगा कि कथा में कैसे रुचि होगी, तो इसका उत्तर श्रीमद् भागवतम दिया गया है, प्रथम स्कंध के द्वितीय अध्याय के 16 नंबर के श्लोक में, सुश्रुषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्याम महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निसेवनात्। वासुदेव कथा रुचि स्यात्, भगवान की कथा में रुचि हो जाती है। वे कैसे होती है? तो एक तो जो कैंडिडेट है और उसका दो योग्यता बतला रहे, दो योग्यता होना चाहिए, सुश्रुष श्रद्धानस्य। सुश्रुष उसको सुनने की इच्छा होनी चाहिए, उसकी अपनी योग्यता इच्छा होनी चाहिए, और श्रद्धानस्य उसको श्रद्धा होनी चाहिए। वे इच्छा है सुनने की, श्रद्धा है, तो रुचि कैसे होगी? तो कहे कि श्याम महत सेवया, जब वह महत पुरुषों का संग करेगा, साधुओं का संग करेगा, तो भगवान के कथा में रुचि हो जाएगी। अरे वे साधु के संग कहाँ सुलभ होगा? तो कह रहे हैं कि पुण्य तीर्थ निसेवला, जब व्यक्ति तीर्थ में जाता है, भगवान के धाम में जाएगा, तो स्वाभाविक ही भक्त लोग भगवान के धाम में रहते हैं। साधुओं का स्वभाव है कि धाम में रहना पसंद करते हैं, तीर्थ में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यह एक साधन भी है। रूप गोस्वामी 64 प्रकार के साधन बतलाए हैं, तो द्वारकादौ निवास सन्निधे गंगादे अपि, किसी पुण्य सरोवर नदी के तट पर निवास करते हैं, भगवान के धाम में निवास करते हैं, और जहां साधु रहेंगे
उनका लक्षण ही यत्रोपगीयते देव देव जनार्दन, वे भगवान की कथा कीर्तन करते हैं। अब जो व्यक्ति तीर्थ में जाता है तो उनको देखता है, तो कथा कीर्तन को देख करके पसंद पड़ता है। आप देखते हैं ना कितने श्रद्धालु आते हैं मंदिर में, नाचने लगते कीर्तन बोलने लगते कथा बैठ जाते और उनको अच्छा लगने लगता है, फिर आने लगते। तो यह क्रम दिया गया, इसी से गृहस्थों के लिए विधान है कि तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा करेंगे तो साधुओं का संग सुलभ हो जाता है। तो श्रीमद् भागवतम के अनुसार ये सब बातें हैं, हमको जितनी जानकारी है उसके अनुसार तीर्थ सेवन से भक्तों का संग होता है और उनके संग से भगवान की कथा में रुचि होती है। यह तो क्रिया है, और दो योग्यता चाहिए, श्रद्धा चाहिए और सुनने की इच्छा चाहिए। एक प्रश्न और है, क्या जब घूम टहल के बातें कर करके कर सकते हैं? अब ऐसा प्रश्न तो करना नहीं चाहिए, लेकिन अब प्रश्न है उत्तर मैं दूंगा। देखिए भगवान के नाम लेने के विषय में कोई नियम नहीं बनाया गया, न देश का नियम है न काल का नियम। और चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट शब्दों में कहे हैं कि खाइते सुइते यथा तथा नाम लो, देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि है। तो नियम तो कुछ नहीं है, लेकिन अब पहला प्रश्न है कि क्या जब घूम टहल के कर सकते हैं? बैठ करके नहीं कर सकते, बैठ करके जब करना असंभव लग रहा है तो घूम टहल करके कर सकते हैं। तो बैठते ही जिसको नींद आ गई तो जप न करने से तो अच्छा है कि घूम टहल करके कर लीजिए। तो ये मजबूरी है, ये कोई विधान नहीं है। विधान तो है कि आसन लगाना चाहिए और शैला जिन कुशोत्तर आसन में चैल कपड़ा होना चाहिए, इसके बाद मृग चर्म होना चाहिए और उसके बाद कुश का आसन। और प्राणायाम करना चाहिए और इसके बाद जप करना चाहिए। देखिए जो गीता में अष्टांग योग का वर्णन है तो कुछ क्रियाएं हैं वो कॉमन है, फाउंडेशन है, चाहे कोई जोग मिश्रा भक्ति में जाए शुद्ध भक्ति में जाए, और कुछ चीज है कॉमन है। तो आसन से इंद्रियों को नियंत्रित करके श्वास पर नियंत्रण करके और जप किया जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं करने से अच्छा है कि टहल टहल करके ही जप। या अबे एक और प्रश्न है कि बातें कर करके जब कर सकते हैं? अब भाई जिसको एक मुंह है तो वो तो ऐसा नहीं कर सकता, संभव ही नहीं। अब 10-20 हजार या रावण जैसा कम से कम 10 मुंह को तो कुछ विचार कर सकते हैं।
एक मुख से बात करेंगे तो जप कैसे करेंगे। देखिए इस विषय में एक बहुत प्रसिद्ध घटना है। यह वृंदावन के एक भक्त हुए हैं हित हरिवंश जी, और थोड़ा विवाद है। एक विचार के अनुसार वे गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य हैं। गौड़ीय विचारधारा में यही प्रचलित बात है। और एक दूसरे भक्त हैं, उनका नाम है हरिराम व्यास। वे राजगुरु थे, ओरछा के राजा थे, मधुकर शाह उनके गुरु थे। वे वृंदावन आए, हित हरिवंश प्रभु के पद को सुने तो उनसे बड़ा प्रभावित हुए और उनकी इच्छा हुई कि हम जा करके उनसे मिले। तो एक दिन उनके वो मिलने के लिए गए और वे ठाकुर जी के लिए रसोई बना रहे थे, चूल्हा जलाए थे, बर्तन उस पर रखे थे और कुछ रंधन कर रहे थे, भोग बना रहे थे। अब हरिराम व्यास गए, आग्रह किए कि हम कुछ बात करना चाहते हैं। तो पहले तो वे तैयार नहीं हुए कि अभी तो प्रसाद बना रहे हैं, भोग बना रहे हैं, लेकिन इनका बहुत आग्रह देख करके, नहीं हम कुछ बात करना चाहते हैं, अब इनका बहुत आग्रह था तो वे बर्तन को उतार दिए चूल्हा से और लकड़ी को भी बुझा दिए। कहे ठीक है अब बात कर सकते हैं। अब हरिराम व्यास को बड़ा आश्चर्य था कि लेकिन बात करने के लिए चूल्हा को बुझाना, इसका क्या रिलेवेंस, इसका क्या औचित्य है। अबे बड़े आश्चर्य में थे, अब व्यक्त तो नहीं कर रहे थे, हमें उधर चूल्हा जल रहा है, इधर थोड़ा सा बात कर ले, क्या दिक्कत है। लेकिन अब इनके कौतुक को देख करके, आश्चर्य को देख करके वो कहे हित हरिवंश जी कि यह जो एक मन बहुत ठोर करी कही कौन सचु पायो। कि मन एक है और इसको जगह जगह लगा दीजिए, अलग अलग लगा करके कौन व्यक्ति है कि सत्य का अनुसंधान कर लिया, सत्य का अनुभव कर लिया। कोई है व्यक्ति कि मन को जहां तहां रखे और सत्य का उसे विज्ञान हो जाए। द्वै तुरंग पर जोर चढ़त हठी परत कौन पे धाई है। कह रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दो घोड़ा पर चढ़ जाए, एक तो झड़ना चढ़ना ही कठिन है और किसी तरह जोर लगा करके दो घोड़े पर बैठ गया तो किस घोड़े पर दौड़ेगा। दो पर चढ़ तो गया लेकिन किस घोड़े पर दौड़ेगा। और एक उदाहरण दे रहे, कहीं तो कौन अंक पर राखे जो गणिका सुत जाए। कोई वेश्या का पुत्र है, वो भाई कौन व्यक्ति अपने पुत्र के समान उसको गोद में रखेगा। वो वेश्या का पुत्र है तो पता नहीं है किसका पुत्र है, तो कौन उसको पुत्र के समान गोद में रखेगा। ओ हित हरिवंश जी का सिद्धांत था कि बात करना है तो मन इधर होना चाहिए। और रसोई बनाते समय अब ये प्रश्न करने वाले प्रश्न कर रहे हैं कि बात करते करते जप कर सकते हैं। ये तो हमारे कल्पना भी नहीं आ रही कि एक जिसको मुख है तो दोनों काम कैसे कर लेगा, ये तो असंभव है। अच्छा अब कभी ये संभव है कि थोड़े देर बात किया, थोड़े देर जप किया, तो यह तो नाम का वो अपराध कर रहा है। और भगवान के नाम से बढ़ करके कौन दूसरी बात है कि उसको बीच में छोड़ करके वो बात करे, यह ठीक नहीं। बात करना है माला पूरा करके, आवश्यक बात है फिर माला रह करके बात कीजिए।
लेकिन फिर भी नौ जप करने से अच्छा है कि बात कर करके भी जप करना। यह आदर्श नहीं है। देखिए नाम की महिमा कही गई है, लेकिन नाम किसी तरह बोले कथमपि सकृदातव मुक्तिदं प्राणी नाम यत, कैसे भी एक बार भी उच्चारण कर लिए तो नाम मुक्ति देने में सक्षम है। लेकिन नाम का कार्य केवल मुक्ति देना नहीं है, वो परम सुस्वादु है, वो भगवान का स्वरूप है और स्वरूपों से विशिष्ट स्वरूप है। भगवान के अनेक स्वरूप हैं, लेकिन कितने भक्त तो भगवान के नाम स्वरूप को ही ग्रहण करते, उसी के शरणागति स्वीकार करते, क्योंकि नामानंद रूपम मुरारे, ये जो नाम रूप है आनंद रूप है, अपने को भी आनंद देता है दूसरे को भी आनंद देता है, तो नाम के आस्वादन के लिए चित्त को एकाग्र करके आसन पर बैठ करके जप करना बहुत अच्छा माना जाता है। और व्यक्ति ठीक से जप करे जस्यावतार गुण कर्म विडंबना, जप करने से स्वतः ही भगवान के गुण लीला अवतार स्फुरित होने लगते हैं। जैसे कोई नट है तो नृत्य करते हुए ही भगवान के लीला का अभिनय प्रस्तुत कर देता है, को नृत्य कर रहा है, और मत्स्य भगवान कैसे वेद का उद्धार कर रहे उसको दिखा देता है, कूर्म भगवान कैसे पर्वत को धारण किए हैं अपने अभिनय से दिखा देता है, वामन देव कैसे 3 डिग में ब्रह्मांड को नाप रहे हैं वो अपने अभिनय से दिखा देता है। उसके लिए एक चीज की आवश्यकता होती है, जब श्रोता उत्साहित रहते, ऑडियंस उत्साहित रहते हैं तो नट करने नृत्य करने वाला का मन बहुत लगता है, और उसी प्रकार जब हम इच्छुक होते हैं तो जिह्वा पर नाम नृत्य करते हैं, और जिह्वा पर नृत्य करेंगे और हमारे हृदय में भगवान का रूप गुण लीला प्रकाशित हो जाएगा। तो ये सब बात करते करते जप करने से नहीं हो पाता है। सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम, किसी तरह भगवान का नाम लीजिए, लाभप्रद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सत्वगुण में स्थित हो करके जप करने से ब्रह्म साक्षात्कार शीघ्र होगा, सहायक। तो ये 3 प्रश्न था। अब हम लोग कथा प्रारंभ करेंगे। उसी त्वा ठहर कर हस्तिनापुर नगर में मासान महीने कतिपयान कुछ हरि भगवान श्री कृष्ण सुहृदाम संबंधियों को च भी विशोकाय सांत्वना देते हुए श्वशुर बहन को च तथा प्रिय काम्यया प्रसन्न करने हेतु। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, भगवान श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने हेतु कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे। तात्पर्य, कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात एवं युधिष्ठिर के सिंहासनारूढ़ होने पर
भगवान श्री कृष्ण को अपने राज्य द्वारिका के लिए प्रस्थान करना था, लेकिन महाराज युधिष्ठिर को अनुग्रहित करने तथा भीष्म देव पर विशेष अनुग्रह करने हेतु भगवान श्री कृष्ण पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर में रुके रहे। श्री भगवान ने विशेष रूप से संतप्त राजा को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने हेतु रुकने का निश्चय किया। सुभद्रा को विशेष रूप से सांत्वना दिए जाने की आवश्यकता थी, क्योंकि उसका एकमात्र पुत्र अभिमन्यु, जिसकी शादी हाल में हुई थी, मारा गया था। वह युवक अपनी पत्नी महाराज परीक्षित की माता उत्तरा को छोड़ करके गया था। श्री भगवान को अपने भक्तों को प्रसन्न करने में प्रसन्नता होती है, केवल उनके भक्त ही उनके संबंधियों की भूमिका अदा कर सकते हैं। श्री भगवान तो परम पूर्ण है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग भगवान के हस्तिनापुर निवास की कथा सुन रहे थे। हस्तिनापुर मेरठ के नजदीक है, आज भी हस्तिनापुर है, मेरठ बड़ा शहर है उसके नजदीक है। कभी कभी दिल्ली को भी हस्तिनापुर कहा जाता है, लेकिन वास्तव में इंद्रप्रस्थ दिल्ली है और हस्तिनापुर मेरठ साइड है। भगवान महाभारत युद्ध के पहले हस्तिनापुर आए थे और युद्ध में सारथी का कार्य किए। जब युद्ध समाप्त हो गया तो महाराज युधिष्ठिर से यज्ञ इत्यादि कराए और इसके बाद द्वारका जाने के लिए मन बना लिए थे। गंतुम कृतमतिर के वे एकदम गंतुम कृतमतिर ब्रह्मण द्वारका प्रथमा स्थित। भगवान तो द्वारका के लिए अतिथि हैं, वहाँ के संबंधी हैं, नहीं हस्तिनापुर के लिए। उनका अपना निवास तो हस्तिनापुर है, तो कुछ कार्य विशेष के लिए आए। उनको ऐसा लगा कि अब कार्य हो गया तो एकदम मन बना लिए थे कि अब हस्तिनापुर लौट जाना है। और केवल मन ही नहीं बनाए थे, रथ मास्थित वे रथ पर बैठ गए हस्तिनापुर जाने द्वारका जाने के लिए। और तब तक उपले भी धावंति उत्तराम भय भी बोला। एकदम द्वारका जाने वाले थे, तब तक देखे कि लड़खड़ाती हुई दौड़ते हुई उत्तरा आ रहे, अभी धावंती वे भगवान के समक्ष दौड़ रहे थे और भगवान से प्रार्थना करने लगे अपने गर्भ की रक्षा के लिए। और भगवान उसके गर्भ की रक्षा की, ब्रह्मास्त्र जो अमोघ था अपने लक्ष्य को नष्ट करता ही है, लेकिन भगवान की विशेषता है कि गर्भ में प्रवेश करके और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। परीक्षित महाराज खुद स्वीकार कर रहे विपुलिष्ट मिदम मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवा। हमारा शरीर लगभग जल चुका था, झुलस चुका था, लेकिन भगवान रक्षा की, पांडवों की रक्षा किए। अब इस घटना को देख करके और कुंती जो अपना संबंध मानती थी कृष्ण से कि हमारा भतीजा है, वो स्थिति हो गया और भगवान की स्तुति करने लगे, नमस्कार करने लगे। और वह अपना आशय व्यक्त करने लगे
कृष्ण आपका यहाँ रहना बहुत सुखद था। वो यहाँ तक बोल गए कि हम तो विपत्ति को ही अच्छा मानते हैं, क्योंकि जब विपत्ति था तो आप यहाँ निवास किए हमारे साथ थे, अब विपत्ति दूर हो गया तो आप दूर जा रहे हैं, तो हम तो यही चाह रहे कि फिर से ही विपत्ति आ जाए। और कुंती भी चाह रहे थे कि कृष्ण अभी नहीं जाए। और सबसे बड़ी बात है कि प्रेमणा राज्ञा निवारित, युधिष्ठिर महाराज बड़े स्नेह से श्री कृष्ण को रोक लिए। और श्री कृष्ण की भी अपनी योजना थी, भीष्म देव को दर्शन देना चाहते थे। कह रहे हैं कि इस प्रकार वे कई एक महीने तक हस्तिनापुर में निवास किए। हस्तिनापुर नगर का नाम है क्योंकि हस्ति नाम के राजा ने इसको बसाया था, तो उसित्वा हस्तिनपुरे मासान कतिपयान हरि। भगवान तो परम मनोहर है, सबके मन को आकर्षित करते हुए कतिपयान मासान कई एक महीने तक। भक्तों का विचार है कि लगभग 4 महीने तक हस्तिनापुर में रुके। हस्तिनापुर इतने लंबे समय तक रुकने का उद्देश्य था सुहृदाम च विशोकाय ससुश्च प्रिय कामया। जो अपने संबंधी थे वे बहुत दुखी थे, उनके दुख को दूर करने के लिए, उनके शोक को दूर करने के लिए, और खास करके अपने बहन का प्रिय करने के लिए। सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन है और श्री कृष्ण के ही प्रयास से उसका हस्तिनापुर में विवाह हुआ। और सुभद्रा की स्थिति है कि उसका एक लौता पुत्र मारा गया, एक ही पुत्र था और बिल्कुल युवक था, अभी कुछ दिन ही कुछ महीने पहले उसका विवाह हुआ था और उसका निधन हो गया, उसकी हत्या हो गई। तो सुभद्रा बहुत दुखी थी और उसकी जो बहू थी वो गर्भवती थी, और इसलिए सुभद्रा को बहुत चिंता रहती थी। तो सुभद्रा को सांत्वना देने के लिए भगवान वहां रुके, लेकिन भगवान का भी अपना परिवार है और उनके जो पुत्र परिवार है तो वे भी भगवान का विरह अनुभव करते हैं, किसी से कम वे अनुभव नहीं करते हैं, वे भगवान के प्रेमी हैं। तो भगवान तो सब प्रेमियों का ध्यान रखते हैं, तो कह रहे हैं कि आमंत्र चाव्यनुज्ञा तो परिस्वज्ञा भी वाद्यता। भगवान श्री कृष्ण अब फिर से द्वारका जाने का उपक्रम प्रारंभ किए, तो कह रहे हैं कि आमंत्र सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज के पास प्रस्ताव रखे, भैया अब हम द्वारका वापस जाना चाहते। युधिष्ठिर महाराज तो कई एक बार रोके थे, लेकिन अब कृष्ण की स्थिति पर विचार करके अनुज्ञात वे स्वीकृति दे दिए। और कृष्ण को स्वीकृति दिए तो परिश्वज्य अभी वाद्यतः अब कृष्ण का आलिंगन किया। महाराज युधिष्ठिर उम्र में बड़े हैं, कृष्ण छोटे हैं, और यद्यपि युधिष्ठिर महाराज जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, लेकिन ऐसा स्नेह है कि प्रायः प्रायः कृष्ण का आलिंगन ही करते हैं, अखबार में भर लेते हैं। और महाराज युधिष्ठिर उनका आलिंगन किया और भगवान भी उनको नमस्कार किए। भगवान महाराज युधिष्ठिर के चरणों में गिर करके नमस्कार करते थे।
और दूसरे लोग भी थे, तो जो बड़े लोग थे तो भगवान उनको नमस्कार कर रहे थे, जो समान उम्र के थे उनका आलिंगन कर रहे थे, अखबार में भर रहे थे, और हस्तिनापुर के लोग भी कोई कोई भगवान को आलिंगित कर रहा था, कोई कोई नमस्कार कर रहा था। तो ऐसे विदा ले करके आरुह रथम कश्य परिस्वक्तो विवादित, भगवान रथ पर चढ़ गए द्वारका जाने के लिए। अब जो ही भगवान रथ पर स्थित हुए तो जो हस्तिनापुर के निवासी थे तो उनको बहुत कष्ट का अनुभव होने लगा, खास करके स्त्रियां बहुत व्याकुल होने लगे। नाम गिना रहे सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युधिष्ठिर गौतमो यमो वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्य सुतादय न सेहिरे विमोह्यन्तो विरहं सारं धन्वन। अब यह बात सोच करके कि कृष्ण आज हम लोगों से दूर चले जाएंगे, अब स्त्रियां बहुत व्याकुल होने लगे और पुरुष भी, लेकिन स्त्रियों का नाम पहले गिना रहे, उसमें भी सुभद्रा। सुभद्रा की स्थिति आप सुने कि उसका पुत्र मर चुका है, बहू गर्भवती है, और कृष्ण साथ में थे, पर उसको कुछ सांत्वना का अनुभव होता था। और द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, कुंती इसका भी 1 पुत्र मारा गया था कर्ण, विराट तनया विराट के पुत्री उत्तरा जिसके पति मारे गए थे, सुभद्रा के पुत्र है अभिमन्यु और अभिमन्यु उत्तरा के पति और गंधारी इसके 100 पुत्र मारे गए थे धृतराष्ट्र और युयुत्सु गौतम कृपाचार्य यमौ नकुल सहदेव वृकोदरश्च भीम धौम्य ऋषि और भी जो स्त्रियां थी स्त्रियों मत्स्य सुतादय सत्यवती इत्यादि और भी जो स्त्रियां थी या पुरुषों का नाम लिया जा रहा है, इसके अतिरिक्त तो और भी जो पुरुष थे, तो कह रहे कि न से ही विमोहित विराम सार धनुन, वे कृष्ण के विरह को सहन करने में सक्षम नहीं थे। न से देखिए किसी किसी के पुत्र मारे गए, किसी के पति का वध हुआ, किसी के स्वजन मारे गए, और उस दुख को ये लोग सह लिए, स्वजन के निधन का दुख सह लिए, लेकिन कृष्ण केवल अलग हो रहे हैं। और बहुत संभावना है कि कृष्ण कुछ दिन के बाद पुनः हस्तिनापुर लौट जाएंगे, चूंकि विदा ले रहे थे तो यही कह रहे थे कि थोड़े दिन के लिए हम जा रहे हैं, फिर जल्दी ही मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन जब ही रथ पर बैठे जाने के लिए तो हस्तिनापुर के निवासी कृष्ण के विरह सहन नहीं सह सके। फिर कैसे पता लग रहा है कि विरह नहीं सह रहे हैं, क्योंकि विमोहयंत स्त्रियां जो ही देखी कि कृष्ण तो रथ पर बैठ गए हैं, अब इतना उनको कष्ट होने लगा कि कष्ट के मारे मूर्छित हो जाती थी, उनको दांत लग जाता तो गिर जाती थी। और केवल स्त्रियों की बात नहीं है, भी नकुल सहदेव या धौम्य ऋषि और भी जो वहां के निवासी थे सब अतिशय कष्ट अनुभव कर रहे थे कि यह कृष्ण के साथ संबंध है।
व्यक्ति का इस संसार में बहुत निकट संबंध माना जाता है, पुत्र से पति से बहुत निकट का संबंध है। लेकिन जितना कृष्ण से निकट का संबंध है उतना निकट का संबंध पुत्र और पति से नहीं। जो पुत्र और पति का संबंध है यह तो थोड़े दिन के लिए, नित्य संबंध तो कृष्ण के साथ है। और परिकरों का यह स्वभाव है कि कृष्ण से उनका इतना प्रेम है कि थोड़े देर का भी वियोग उनको सहन नहीं होता। कृष्ण सदा सर्वदा के लिए नहीं जा रहे, आश्वासन दे करके जा रहे हैं कि कुछ दिन के बाद मैं लौटूंगा, लेकिन फिर भी हस्तिनापुर के निवासियों को यह बहुत कठिन हो रहा है। कृष्ण के देखे बिना उनको संतोष नहीं होता, यह भगवान के परिकरों के स्वभाव में। ब्रज के जो परिकर है खास करके गोपी हैं, तो वे तो एक क्षण का पलक गिरने के अंतराय को भी नहीं सहन कर पाती, ब्रह्मा को गाली देने लगती। और कृष्ण परम सुंदर है और अपने हैं, तो द्वारका हस्तिनापुर के निवासी विरह अनुभव कर रहे हैं। एक चीज है ध्यान देने की बात है कि महाराज युधिष्ठिर का नाम नहीं है, अर्जुन का नाम नहीं। उसका कारण यह है कि अर्जुन को तो कृष्ण के साथ ही जाना था, इसलिए उनको कोई विरह की अनुभूति नहीं। और महाराज युधिष्ठिर को कृष्ण की विदाई करनी है, तब इतना इतना कार्य है, तैयारी करनी है, और इसलिए उनको विरह का फुर्सत ही नहीं था। तो कह रहे हैं कि हस्तिनापुर के निवासी विरह को नहीं सह रहे थे, मूर्छित हो जा रहे थे। अब अवसर पा करके शुद्ध गोस्वामी इसको उचित ही बतला रहे, जस्टिफाई कर रहे, पर यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह स्वाभाविक है। और इसको कैमुत्य न्याय से कह रहे हैं। कैमुत्य न्याय का अर्थ है कि एक चीज को कह करके दूसरे तथ्य को स्थापित करते हैं। जैसे कोई कहे कि वह व्यक्ति एक क्विंटल का बोझ उठा सकता है, और जिसको एक क्विंटल बोझ उठाने की क्षमता है तो दो किलो उसके उठाने के लिए कौन बड़ी बात है। इसको कैमुत्य न्याय कहे। और कृष्ण के विरह को नहीं सह पा रहे हैं हस्तिनापुर के नर नारी, तो कह रहे हैं कि यह कोई अनुचित नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है, यह तो बिल्कुल स्वाभाविक है। और इसको कैमुत्य न्याय से स्थापित कर रहे हैं और सिद्धांत दे रहे हैं कि सत्संगान मुक्त दुह संग हातुम नुक सहते उधर कीर्त्यमानम जसो जस्य सकृदा कर्ण्य रोचन। अरे कि कृष्ण के विरह सहने की बात दूर है, जो व्यक्ति सत्संग के प्रभाव से दोसंग से मुक्त हो गया है और वह विवेकी है, तो यदि एक बार भी भगवान के जस का श्रवण कर लेता है तो इतना वह पसंद पड़ता है कि भगवान के जस का त्याग नहीं कर पाता है। तो फिर कृष्ण की संग का कृष्ण का संग कैसे त्याग करेगा। और सिद्धांत दे रहे हैं सत्संगान मुक्त दुह संग। सत्संग का अर्थ है कि भगवान के संग से या भगवान के भक्तों के संग से। वास्तव में तो भक्तों के माध्यम से भगवान का एक संग होता है, भगवान के श्रवण कीर्तन करते हैं तो इसी को सत्संग कहा जाता है। यह सत मतलब भक्त उनका संग, तो सत्संग से दो संग से मुक्त हो गया। देखिए
ये जो पुत्र परिवार की आसक्ति है तो इसी को दोसंग कहा गया। दोसंग मतलब खराब संग, बुरी आसक्ति। तो दोसंग असत संग बाहर भी होता है, लेकिन सबसे बड़ी आसक्ति है पुत्र परिवार। और पुत्र परिवार की आसक्ति होने से व्यक्ति के हृदय में राग द्वेष भर जाता है, मान मत्सर भर जाता है, और ये सब अनर्थ। जब तक राग द्वेष है, मान मत्सर है, तब तक भगवान की कथा अच्छी नहीं लगे, उसमें रुचि उत्पन्न नहीं होगी। और इसके इन अनर्थों के मूल में देह और देह से संबंधित व्यक्ति है। तो दोसंग का अर्थ है पुत्र परिवार की आसक्ति। ये बहुत भारी आसक्ति है, इसका त्याग करना बहुत कठिन होता है। इसी से भगवान जब ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, मतलब अनभिष्वंग पुत्रदार गृहादि से, कहा 12वें का है कि 13वें का है, 13वें का ज्ञान का साधन है। ज्ञान में ये बतला रहे अनभिष्वंग पुत्रदार गृहादि से। देखिए इस बात को हम यहाँ कह रहे हैं, ये प्रासंगिक है। बहुत सारे भक्त लोग हैं पुत्र परिवार का त्याग करके वृंदावन में आ गए या तीर्थ में रह रहे हैं, तो त्याग तो कर दिए हैं, लेकिन अभी अभिस्वंग का त्याग नहीं किए। अभिस्वंग का अर्थ होता है कि पुत्र के स्थिति से प्रभावित हो जाना। बेटा को नौकरी लग गया तो मन में हर्ष हो जाता है, बेटा बीमार हो गया तो हम भी दुखी हो जाते हैं। तो उनको छोड़ करके तो आ गए, लेकिन अभी उनका बंधन से मुक्त नहीं है, चित्त प्रभावित होता रहता है, और इसको अभिस्वंग कहते हैं। अनभिस्वंग इससे मुक्त होना चाहिए। कोई माता पिता है, अपने बेटा बेटी का विवाह शादी कर दिए, पढ़ाई लिखाई पूरा कर दिए, विवाह शादी कर दिए, तो उनका दायित्व तो पूरा हो गया। अब बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और भगवान दुनिया को चलाने वाले हैं, वो चलाएंगे, लेकिन इसका त्याग करना बहुत कठिन होता है। भी कैसे त्याग होगा भक्तों के संग से। तस्मात् दोसंग मुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, संत एव छिंदन्ति मनो व्यासंग उक्ति। व्यासंग बी आसंग, ये आसक्ति जमी हुई है और सत्संग से इसका छेदन हो जाता है। सत्संग से कैसे छेदन हो जाता है? उक्ति भी साधु लोग अपने उपदेश से, अपने वचन से, उससे जमे हुए आसक्ति को भी काट देते हैं। और सिद्धांत दे रहे हैं कि सत्संगा मुक्त दुसंग, सत्संग के प्रभाव से दुसंग समाप्त हो गया। और बुध कह रहे हैं कि व्यक्ति विवेकी है, जड़ चेतन का विवेक रख रहा है, सार असार का विवेक रख रहा है, तो इस स्थिति में कीर्त्यमान जसो जस सकृदा कर्ण रोचन, वह एक बार सकृत कृष्ण के जस का श्रवण कर लिया, तो इतना वह रोचक है, इतना पसंद पड़ता है कि एक बार सुनने से वे उस जस का, भगवान के जस का वो त्याग नहीं कर पाता, श्रवण का त्याग नहीं कर पाता,
यह भक्तों का त्याग नहीं कर पाता, यह भगवान का त्याग नहीं कर पाता। तो भगवान की कथा सुनने का यह प्रभाव है कि व्यक्ति भगवान का या भगवान की कथा का त्याग नहीं कर पाता है, तो तस्मिन न्यस्त धियः पार्था सहेरन विरह कथा। ये जो पार्थ है, पार्थ उपलक्षण है, जो हस्तिनापुर के निवासी है, तो तस्मिन न्यस्त धियः, वे तो अपने बुद्धि को ही भगवान में रख दिए, अपने अपने मन को ही भगवान में रख दिए, तो कैसे उनके विरह का सहन कर सकते। सिद्धांत समझ रहे हैं ना, भगवान के जस एक बार कोई सुन ले तो इतना पसंद पड़ता है कि उसका प्रभाव होता है कि व्यक्ति त्याग नहीं कर पाता। और जिसकी बुद्धि मन कृष्ण में ही अभिनिविष्ट है, उसी में रख दिया गया है, तो कैसे कृष्ण के विरह को सह सकता है भाई, कैसे बुद्धि वहां न्यस्त हो गई है। तो कह रहे हैं कि दर्शन स्पर्श संलाप सहनासन भोजन, क्योंकि वे कृष्ण का दर्शन करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, उनके साथ बात करते हैं, और उनके साथ सोते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं, पर इन सब क्रियाओं से कृष्ण के साथ बिल्कुल ऐक्य हो गया, इसलिए कृष्ण का विरह सहना बहुत कठिन हो रहा है। पर इन कारणों पर विचार करना चाहिए, यही आसक्ति बढ़ाने वाले हैं। क्या क्या देखना, देखने से बहुत आसक्ति बढ़ती, ऐसा कहा जाता है कि आदमी देखे ना तो आसक्ति कम हो जाती। अंग्रेजी में कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, तुम्हें संसारी लोगों का दर्शन करेंगे तो उधर आसक्ति जाएगी, भगवान का दर्शन करेंगे या भगवान के भक्तों का दर्शन करेंगे तो उधर आसक्ति बढ़ेगी। स्पर्श सहलाने से, छूने से, इससे बहुत आसक्ति बढ़ती है, और संलाप बात करने से, साथ में सोने से या बैठने से या साथ में भोजन करने से। और इसलिए ये सब क्रियाएं संसारी लोगों से नहीं करना चाहिए। संसारी लोगों के साथ बैठेंगे, उनके साथ बात करेंगे, उनका दर्शन करेंगे, उधर आसक्ति हो जाएगी, और यही सब क्रिया भक्तों के साथ करेंगे तो भक्तों में आसक्ति होगी। तो भगवान तो सलाह दिए, तस्मात दोसंग मुत्सृज्य सत्सो सज्जेत बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति का यही लक्षण है कि वह संतों में आसक्त, उनके साथ रहे, क्योंकि कपिल देव बतलाए हैं कि जो संग असत में वही संस्कृति का कारण है, और उसी संग को भक्तों में कर दिया जाए तो वही मुक्ति का कारण बन जाता है। तो कृष्ण रथ पर बैठ गए, लेकिन हस्तिनापुर के निवासी उनके विरह को सहने में असक्षम हो रहे। सर्वे अनिमिषय रक्ष स्तमनोद्रुत चेत सह विक्षमता स्नेह संबद्धा विचेलु तत्र तत्र। सब लोग अनिमिषय रक्ष अपलक दृष्टि से कृष्ण के तरफ देख रहे, और दृष्टि कृष्ण पर है, और तमनोद्रुत चेत सह उनका चित्त कृष्ण के तरफ बड़ी तेजी से प्रवाहित हो रहा है, अनुद्र बहुत तेजी से भाग रहा है। अब उनका चित्त उनके बस में नहीं है। एक उदाहरण दे करके संत लोग समझाते हैं कि जैसे कोई नौका पर सवार है, यमुना जी के धारा में, गंगा जी के धारा में है, तो अब वह अपने को रोक नहीं पाएगा, वो तो धारा के साथ आगे बढ़ता ही जाएगा।
वैसे ही जो हस्तिनापुर के निवासी हैं तो उनके चित्त पर उनका नियंत्रण नहीं है, तमनोद्रुत चित्त सब कृष्ण के पीछे ही तेजी से भाग रहा, उनमें लग रहा है। और विक्षणता स्नेह संपत्ता विचेलुष तत्व तत्र है, वे स्नेह से बंधे हुए हैं, कृष्ण के तरफ दृष्टि है और मन भी उधर ही है, और कह रहे कि विचेलुष तत्व तत्र। अब चूंकि कृष्ण विदा ले रहे हैं, कई एक लोगों से मिल रहे हैं, कई एक स्थान पर जा रहे हैं, तो हस्तिनापुर के निवासी भी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, विचेलु शरीर चल रहा है और दृष्टि उन्हीं पर लगी हुई है, मन उधर ही लगा हुआ है और कृष्ण के पीछे पीछे वे चल रहे हैं। अब वहां के स्त्रियों का वर्णन कर रहे हैं कि न्यरुधर उद्गलत वाष्प औत्कंठा देवकी सुते निर्याति आगारण नो भद्र इति स्यात् बांधव स्त्रिय। स्त्रियां तो इतना विरह अनुभव कर रही हैं कि उद्गलद वास उनके नेत्र से अश्रु अब निकलने वाले, नेत्र में अश्रु उमड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको भी रोक रही है, विरह के प्रभाव से, शोक के प्रभाव से, दुख के प्रभाव से स्वाभाविक ही उनके आंख में अश्रु भर रहे हैं, लेकिन प्रयास करके उन अश्रुओं को रोक रही है। रोक रही है इसलिए कि हमारे बंधु कृष्ण आज यात्रा पर जा रहे हैं, उनका कहीं अमंगल न हो। ऐसी यात्रा के विधान में यह है कि व्यक्ति अश्रु देह करके यात्रा प्रारंभ करता है, यात्रा के समय अश्रु दिखाई दिया तो इसको अमंगल माना जाता है, ये अशुभ है, इसको अच्छा नहीं माना जाता। तो स्त्रियां अपने आते हुए अश्रु को रोक रही हैं कि कहीं हमारे बंधु का, कृष्ण का कोई अमंगल ना हो, ये अशुभ दृश्य उनको ना दिखाई दे, और बहुत प्रयास करके रोक रही है। क्योंकि अब कृष्ण जाने ही वाले हैं तो उनके यात्रा के मंगल का विधान किया जा रहा है। युधिष्ठिर महाराज तो बहुत व्यस्त है कि किसी प्रकार का कोई अमंगल दृश्य उपस्थित न, तो यात्रा के मंगल के लिए विविध प्रकार के बाजे बजाए जा रहे हैं, कई एक बाजे बजा रहे हैं, 10 बाजाओं का नाम दिया गया है, मुख्य है, इसके साथ और भी बाजाए हैं, तो बाजा का नाम दे रहे हैं मृदंग, शंख, भेरी, बीड़ा और पौड़ गोमुख, धुंधुरी, आंगक, घंटा और दुंदुभी, ये प्रमुख है, इसके साथ और भी है। देखिए यह स्नेह, यद्यपि कृष्ण हस्तिनापुर से निकल रहे हैं तो कष्ट का दृश्य सब शोक में है, लेकिन फिर भी ध्यान है कि कृष्ण की यात्रा मंगलमय है, तो कृष्ण की यात्रा के मंगल के लिए विभिन्न प्रकार के बाजे बज रहे हैं, वो बाजे बज रहे हैं। प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरु नारियो दिदृक्षया बृषु कुसुमय कृष्णम प्रेम प्रीड़ा स्मृति क्षण। जो हस्तिनापुर की स्त्रियां तो वे भवन पर चढ़ गए, ऊंचे ऊंचे महल को प्रासाद कहा जाता है, और उसके छत पर चढ़ गई है और कृष्ण को देख रही है, देखने की इच्छा से, देखने की लालसा से छत पर चढ़ गई है, वहां से सुविधा है देखने में। और बृषु कुसुमय कृष्णम प्रेम प्रीड़ा स्मृति क्षण, और कृष्ण पर पुष्प वर्षा कर रही है, स्त्रियों का वर्णन कर रहे हैं कि प्रेम ब्रीड़ा स्मृति क्षण, स्त्रियों के हृदय में प्रेम है और उनके आंखों से कोई प्रकाशित हो रहा और उनके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन
मुस्कान लज्जा से युक्त है। एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि स्त्रियां जब देख रही हैं कृष्ण की तरफ, उनके दृष्टि उधर है, तो इस वियोग के स्थिति में, विरह के स्थिति में वो मुस्कान कैसे आ रहा है? देखिए, स्त्रियां कई एक भाव की हैं और कृष्ण का कोई कोई ऐसा व्यवहार है कि उसको देख करके थोड़ी सी मुस्कान आ रही है। खास करके कृष्ण उनके तरफ देख रहे हैं, स्त्रियों के तरफ, तो कृष्ण के भाव को जान करके उनके चेहरे पर मुस्कान आ रहा है। लेकिन ब्रीड़ा वे लज्जा के साथ मुस्कुरा रही है, देख भी रही है लज्जा के साथ। स्त्रियों के लिए लज्जा का बहुत महत्व है। श्रील प्रभुपाद जी पर इस विषय में बहुत लिखे हैं। लज्जा स्त्री का आभूषण है और जो स्त्री लज्जा से युक्त है तो उसके प्रति स्वाभाविक एक सम्मान की भावना बनती है, और जहां लज्जा नहीं है तो एक तरह से कह सकते हैं कि स्त्रीत्व ही समाप्त हो गया। ये लज्जा और स्त्री, स्त्रीत्व, ये दोनों समानवाचिक शब्द हैं। और स्त्रियां छत पर चढ़ गई हैं और कृष्ण का बड़े ही प्रेम से और लज्जा से और मुस्कान से झुकते हैं, दर्शन कर रही है। अर्जुन के विषय में कह रहे हैं कि सितात पत्रम जग्राह मुक्ता दाम विभूषितम। भगवान यात्रा पर निकल रहे हैं, महाराज युधिष्ठिर की व्यवस्था है, वे व्यवस्था रखे हैं कि कृष्ण को धूप और वर्षा से रक्षा किया जा सके, और इसके लिए खूब अच्छा एक छत्र है। या वैसे भी राजा लोग चलते हैं तो उनके ऊपर छत्र डाला जाता है, और छत्र के विषय में कह रहे हैं कि मुक्ता दाम विभूषित। वो छत्र का जो दंड है तो रत्न से मंडित है, रत्न से मढ़ा गया है। तो रत्न दंडम गुड़ा के सब प्रिय प्रिय तमस्य कि अर्जुन आत्पत्र को, छत्र को धारण किए हुए। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि अर्जुन को इतना सेंस है कि स्त्रियां ऊपर से देख रही हैं, तो अभी वो सीधे कृष्ण के ऊपर छत्र नहीं रख रहा है। अब कृष्ण के मस्तक के ऊपर छत्र डाल देंगे तो स्त्रियों को असुविधा होगी, ये सब ध्यान रखना होता है। कुछ लोग है सेवा को करते हैं लेकिन इन सब बातों का ध्यान नहीं रखते। अर्जुन को इतना सेंस है, अभी वे हाथ में रखे, अर्जुन ने छत्र धारण किए, और उद्धव सात्यकिश्चै व व्यजने परमाद्भुते। उद्धव जी और सात्यकी, सात्यकी अर्जुन के शिष्य हैं और बड़े ही योद्धा, और उद्धव जी और सात्यकी दो चामर धारण किए परमाद्भुते, बहुत सुंदर आश्चर्यजनक चामर है, और विकीर्य माणा उसमें रेजे मधुपति पति, ऊपर से पुष्प की वर्षा हो रही है तो कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये सब महाराज युधिष्ठिर की व्यवस्था। महाराज युधिष्ठिर कृष्ण को विदा दे रहे हैं तो पूरा ध्यान रख रहे हैं कि कृष्ण को कोई असुविधा न, कृष्ण को अकेले नहीं छोड़ रहे, अर्जुन को साथ में दे रहे और सात्यकी को साथ में दे, दोनों बड़े ही वीर अस्त्र विद्या में इनके समान कोई नहीं, और उद्धव जी साथ में। उद्धव जी बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति, भगवान खुद अपने से स्वीकार किए कि बुद्धि में अणु मात्र भी हमसे कम नहीं।
लेकिन भगवान को भी जरूरत पड़ती है मंत्रणा की। यह संसार है, समय एक जैसा नहीं बीतता, विषम परिस्थिति आ जाती है। तो भगवान जी भी विषम परिस्थिति का अनुभव करते हैं, तो उद्धव जी से मंत्रणा करते हैं कि इस समय हमको क्या करना चाहिए। तो सात्यकी और अर्जुन रक्षक है, बॉडीगार्ड है, और उद्धव जी काउंसलर है। इनके साथ है भगवान है, और ऊपर से स्त्रियां पुष्प वर्षा कर रही हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब कह रहे हैं कि अश्रुयंता शिशह सत्या तत्र तत्र द्विजेरिता है, नान रूपान रूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मन। अब यात्रा पर कृष्ण निकल रहे हैं, तो ब्राह्मण लोग वेद मंत्र का पाठ कर रहे हैं और कृष्ण को आशीर्वाद दे रहे हैं। अश्रुयंता शिशह सत्या, वे आशीर्वाद सुन रहे हैं कृष्ण। आशीर्वाद के विषय में करें कि सत्य, वो आशीर्वाद बिल्कुल सत्य है। कोई कोई व्यक्ति है यहाँ कि जिनका आशीर्वाद बिल्कुल सत्य निकलता है, जैसे कोई सत्यनिष्ठ तपस्वी ब्राह्मण है, ऐसा व्यक्ति है जो कभी झूठ नहीं बोलता है और तपस्या से युक्त है, तो वह व्यक्ति कुछ कह दे किसी को तो सत्य निकलता है। जो स्त्री पतिव्रता है, सती स्त्री है, तो वो जो बात कह देगी वो सत्य निकलेगा। तो बहुत ही तेजस्वी ब्राह्मण है, सत्यवादी ब्राह्मण है, तो जो आशीर्वाद दे रहे हैं बिल्कुल सत्य है। लेकिन कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे हैं यद्यपि सत्य है, लेकिन नान रूपान रूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मन, लेकिन वो भगवान के लिए उचित भी है और अनुचित भी, अनुरूप भी है और अनुरूप नहीं भी। वो कह रहे हैं कि निर्गुणस्य गुणात्मन, भगवान निर्गुण है, प्रकृति से परे है, ब्रह्म है, और उनके लिए कोई आशीर्वाद का कोई मतलब नहीं, कोई रिलिवेंसी नहीं है। भगवान की सत्ता तो त्रिकाल अबाधित है, और ऐसे भगवान को कोई आशीर्वाद चिरंजीवी भव, तुम चिरायु हो, तो इसका क्या मतलब है? जीव अनादि काल से है, अनादि काल तक रहेगा, अब उसको कोई आशीर्वाद दे कि आपकी आयु लंबी हो, तो ये कोई अनुरूप है? आशीर्वाद का कोई मतलब है? जो आनंद घन है और उसको कोई आशीर्वाद दे कि सुखी भव, इसका क्या मतलब निकलेगा? अरे जिसके आनंद से सारे संसार का आनंद विकीर्ण हुआ है, एक सीकर मात्र से फैला है, और उस व्यक्ति को कोई आशीर्वाद दे रहा है कि सुखी भव, सुखी हो, तो या तो वैसे ही है जैसे समुद्र में कोई एक चम्मच पानी डाल करके चाह रहा है कि समुद्र का पानी बढ़ जाए। समुद्र में एक चम्मच पानी डाल दिए तो समुद्र जल में वृद्धि होगी, और जो आनंद घन है रचन निर्वृत्ति वाचक, अब उसको आशीर्वाद दिया जा रहा है कि सुखी भव, यह कोई अनुरूप आशीर्वाद नहीं, लेकिन अनुरूप भी है क्योंकि गुणात्मन भगवान तो गुण निधि है, अच्छे अच्छे गुण को धारण करते हैं, या मनुष्य लीला कर रहे हैं तो मनुष्य लीला के दृष्टि से वो आशीर्वाद बिल्कुल उचित है। अब भगवान द्वारका के लिए निकल रहे हैं तो ब्राह्मणों के पास जा रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको आशीर्वाद दीजिए, तो अब ब्राह्मण क्या करे? आशीर्वाद देंगे ही ना,
तो उनका आशीर्वाद देना बिल्कुल अनुरूप है, उचित है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो कह रहे हैं ये भगवान आशीर्वाद का श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये भगवान के लिए अनुरूप भी है अनुरूप भी है, यह बिल्कुल अनुरूप है, क्योंकि भगवान का व्यवहार ऐसा है। हम इस बात को एक घटना से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं भगवान राम का सीता जी के साथ ब्याह हुआ, जनकपुर में ब्याह हुआ और सीता को लेकर के अयोध्या में आए। कोई भी स्त्री है तो विवाह से बहुत प्रसन्न होती है, सीता जी भी प्रसन्न है, और तब तक महाराज दशरथ ऐसी व्यवस्था किए कि राम को राज्य सिंहासन प्रदान किया जाए, इनको राजा बना दिया जाए। वो वशिष्ठ जी को बुला करके कहे कि देर नहीं होना चाहिए, जितना जल्दी संभव हो तिथि का चयन कीजिए। उसके अनुसार तिथि का चयन कर दिया गया। तो सोचिए कि जिसका पति राजा बनने वाला है तो उस स्त्री को कितनी प्रसन्नता होगी। एकदम डेट फिक्स हो गया है, सब तैयारी चल रही है। अब चूंकि गृहस्थ है तो कई एक कृत्य है कि पति पत्नी को साथ में करना पड़ता है, और हवन इत्यादि करना है तो उसके पहले कुछ तैयारी करनी होती है, कुछ तपस्या करना होता है, उपवास करना होता है। तो सीता जी तो एक दिन पहले से उपवास धारण की थी और आज बिल्कुल वह समय आ गया कि भगवान का अभिषेक होना है राजा के पद पर। और सीता जी के मन में बहुत भारी उल्लास था, स्नान इत्यादि करके वे तैयार हो रहे थे कि हमको भी यज्ञ स्थली पर पहुंचना है, लेकिन वे तब तक देखे कि भगवान राम अकेले आ रहे हैं। अब तो सीता जी के मन में कोई एक प्रश्न उठने लगे कि ये क्या हो गया, ये मैं क्या देख रही हूं, भगवान बिल्कुल अकेले आ रहे थे, अकेले आकर के सीता जी के पास उपस्थित हुए। सीता जी पूछने लगी, राघवेंद्र हम ये क्या देख रहे हैं, कैसे आप यहाँ आ गए, यह समय तो है कि आपको यज्ञ स्थल पर उपस्थित होना था और आप अकेले कैसे आ गए, कोई पीछे नहीं है, छत्र नहीं है, चामर नहीं है, आपको तो रथ के पीछे पीछे जाना था, तो कैसे आप अकेले आ गए, हम क्या देख रहे हैं, अब तक तो आपको वहां पहुंचना चाहिए था। लेकिन अब भगवान कहे कि सीते हमारा राज्याभिषेक नहीं हो रहा, पिता दिन न मोहि कानन राज, हमको तो वनवास का राज वन का राज्य मिला, तो यह संसार है। अब एक तरफ राजा का पद मिलने वाला है और तब तक स्थिति बन गई, अब राजा बन करके क्या नगर में ही नहीं रह सकते, वन में रहना पड़ेगा। और भगवान बतलाए कि हम तुमको कुछ बात कहने के लिए आ गए, हमको तो वन में जाना है, भरत राजा बनेंगे, लेकिन तुमको मैं समझाने के लिए आ गया कि तुमको यह ध्यान रखना चाहिए कि भरत जब राजा बनेंगे तो तुम उनके समक्ष हमारी प्रशंसा कभी मत करना, और उनके समक्ष की बात तो दूर है, अपने सखियों के बीच में भी हमारी प्रशंसा मत करना, क्योंकि राजा लोगों के पास बात पहुंच जाती है और राजा लोग दूसरे के उत्कर्ष को नहीं सहन करते। तो तुमको यह ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी भरत के समक्ष, यह भरत के समक्ष की बात तो दूर है, अपने सखियों के बीच भी हमारी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए।
कोई एक और सिखा रहे थे, और सीता जी उनकी बात सुने, और बात सुनने के बाद कहे कि राघवेंद्र आपकी बात सुन करके हमको हंसी आ रही है, आप हमको इतना सिखा रहे हैं, हमको अयोध्या में रहना होता तब इस बात का कुछ भय हुआ, और आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, हमारे माता पिता पर्याप्त शिक्षा दिए हैं, कैसे हमको रहना होगा इस विषय में हमको शिक्षा है। और थोड़ा विचार कीजिए कि इस संसार में संबंध बहुत लोगों से, आर्य पुत्र पिता माता भ्राता पुत्र तथा स्नुषा स्वामी पुण्यानि भुंजाना स्वम स्वम भाग्य उपास होते। अरे यहाँ तो पिता का संबंध है, माता का संबंध है, या भाई भाई का संबंध है, या किसी से पुत्र का संबंध है, बहन बहन का संबंध है, लेकिन ये देखा जाता है कि कोई भी संबंध है तो अपने पुण्य का भोग करते हैं और अपने भाग्य को प्राप्त करते हैं, भाग्य अलग अलग हो जाता है। देखिए दो भाई हैं, सगे भाई हैं, लेकिन उनके पोस्ट में अंतर हो गया तो उनके धन में भी आमदनी में भी अंतर हो जाएगा, अंतर हो जाएगा ना, तो वे अपना अलग अलग भाग्य का भोग कर रहे हैं। या सगी बहन है, अब उसका विवाह अलग अलग हो गया है, तो बहुत भारी अंतर हो जाता है। हम लोग तो देखे हैं कि कोई कोई बहन है कि उसके घर में बहुत समृद्धि है, लेकिन एक बहन ऐसी है कि सिंचाई का साधन नहीं है, और बहुत कम आमदनी है, किसी तरह भोजन चल जाए यही काफी होता है। वो बहन है, सगी बहन है, लेकिन उनके भाग्य में अंतर हो जाता है। लेकिन सीता जी कह रहे हैं कि भर्तु भाग्यम तु नार्येका प्राप्नोति पुरुषर सब अतश्चैवाहम अहम आदिष्टा बने वस्तव्य नित्य। लेकिन ये पति पत्नी का ऐसा संबंध है, पत्नी एक ऐसी है कि वे अपने पति के भाग्य को भोगती। देखिए कम से कम वैदिक संस्कृति में वैदिक सभ्यता के अनुसार ये बिल्कुल सत्य है। आज के परिप्रेक्ष्य में कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है, हो सकता है कि स्वीकार न करे, लेकिन जो वैदिक सभ्यता है तो पत्नी अपने पति के भाग्य को भोगती है। पति का अच्छा दिन है, आमदनी है, तो पत्नी के भी हाथ में पैसा रहता है। अब पति का नौकरी छूट गया तो पत्नी का भी आमदनी खत्म। और सीता जी कह रही है कि पति पत्नी का ऐसा संबंध है कि पत्नी अपने पति के भाग्य को प्राप्त करती है। तो इस दृष्टि से विचार किया जाए तो आपका वनवास हुआ है तो हमारा भी वनवास हो गया ना, तो अयोध्या में कैसे रहना है इसके उपदेश की जरूरत नहीं है। यदि तुम कह रहे हैं कि न पिता नात्मजो वात्मा न माता न सखी जन यह पृष्ठच नारी पतिरे को गति सदा, एक स्त्री के लिए बहुत बहुत संबंध है, पिता से संबंध है, पुत्र से संबंध है, माता से संबंध है, सखियों से संबंध है, लेकिन उसका आश्रय उसका गति तो पति होता है। तो यदि तुम प्रस्थितो दुर्गम वन मध्य राग अग्रतस्ते गमिष्यामि वनन्ते कुसकंटका, यदि आप वन में जाने वाले हैं, अभी वन में जाएंगे तो आपके आगे आगे मैं चलूंगी, जो कुसकंटक होगा उसको मैं रौंदते हुए चलूंगी, पहले कुस को काट को मैं अपने पैरों से रौंद देंगे, उसके पीछे आप चलेंगे। और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ईर्ष्या रोषम बहिष्कृत, ईर्ष्या का त्याग कीजिए, आपके मन में यह भाव नहीं आना चाहिए कि स्त्री हो करके और वन में जाने की बात कह रही है। और रोषम क्रोध का त्याग कीजिए, हम क्रोध आ सकता है कि हमारी पत्नी हो करके
और हमारी बात नहीं मान रही है, तो कह रहे हैं कि ईर्ष्या और रोष का त्याग करके भोक्त शेष विबोधकम्। एक उदाहरण दे रही है कि जैसे गर्मी का दिन है, गर्मी का दिन है तो व्यक्ति पानी रखता है, खास करके वन का रास्ता है तो साथ में पानी रखता है, तो पानी पिया, प्यास लगने पर पानी पिया, तो इसके बाद जो पानी बच जाता है उसको साथ में रखता है, उसका त्याग नहीं करता, उसको फेंक नहीं देगा। तो कह रहे हैं कि जैसे पानी को व्यक्ति साथ शेष पानी को साथ में रखता है, तो वैसे ही आप हमको साथ में लेकर के चलिए, हमारा त्याग मत कीजिए। और वे कहने लगे कि एक चीज का ध्यान रखिए कि मैं कभी आप पर भार नहीं बनूंगी और मैं बिल्कुल शुद्ध हूँ, हमारा चित्त कहीं आपके अतिरिक्त दूसरे जगह नहीं जाता है, तो हम आप पर कभी भार नहीं बनेंगे, हमको साथ ले चलिए। और भगवान तो कहने लगे कि नहीं, ठीक नहीं है, स्त्री को वन में नहीं जाना चाहिए। माँ कौशल्या तो राम से कहने लगे कि सीता वन में जाना चाहती है, तुम्हारे क्या विचार है, वही मैं इसको सुना दूं। और अपने से कह रही है, कह रहे वन में तो दो स्त्रियां रहती हैं, एक जो कोल भील की स्त्रियां वे रहती हैं, उनकी लड़की रहती है, और नहीं तो ऋषि की पत्नी रहती है, यह तो जाने लायक नहीं है, लेकिन तुम्हारी पत्नी है, अब तुम जो कहो यही मैं इसे कह दूं। तो एक तरह से अपनी संस्कृति की माजस होता है कि यह जाने लायक नहीं है। अब भगवान बहुत बहुत समझाने लगे कि वहाँ का पानी लगता है, हिंसक प्राणी है, देख करके भय लगता है, तुमको जाना ठीक नहीं है। लेकिन सीता जी कहने लगे कि देखिए, आपके लिए ये वनवास की बात नहीं होगी, हमारे लिए नई नहीं है। वे कहने लगे कि अथापि च महाप्राज्ञ ब्राह्मणानां मया श्रुतम्, हमारे घर में, हमारे पिता के घर में जो ब्राह्मण आते थे, और उसी समय कहते थे कि इस लड़की के भाग्य में वनवास है, कुछ दिन इसको वन में रहना पड़ेगा। और केवल ब्राह्मण ही नहीं, वो भिक्षुणी आती थी भीख मांगने के लिए, जो हाथ के रेखा को समझ जाते हैं, ललाट के रेखा को समझ जाते हैं, तो हमारे सुनते सुनते हमारे सामने ही हमारे माँ से वे लोग कहती थी कि इस लड़की को तो कुछ दिन वन में रहना पड़ेगा, तो हम तो पहले से ही वन में रहने के लिए तैयार हैं। और सुन लीजिए, यदि वन में आप नहीं ले जाएंगे तो अब हमारा स्थान या तो आग होगा, या पानी होगा, या विष होगा। ऐसे समझ रहे हैं ना? अब एकदम स्पष्ट निर्णय दे दिए कि हमको साथ ले चलिए। और वे तो पहले से ही सोच रही थी, ये भी पता चला तो उनके मन में विचार आ रहा है कि चलन चहत बन जीवन नाथ कहीं सुकृति सन हुई है साथ। वे विचार कर रहे हैं कि जीवन साथ, जो हमारे जीवन साथी है, वे वन में जा रहे हैं, तो किस पुण्य से उनका साथ मिलेगा। अब क्या विधाता का विधान है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कि तनु प्राण की केवल प्राण विधि कर तब कुछ जाई न जाना। सीता जी कह रहे हैं कि अब प्राण तो जाएगा ही प्रियतम के साथ, लेकिन विधि का क्या विधान है कि केवल प्राण जाएगा कि शरीर के साथ जाएगा, यह बात नहीं समझ में आ रही। तो ऐसे विचार में निमग्न थी, स्पष्ट कही कि अब आपके साथ नहीं रहूंगे तो अब इस शरीर का स्थान तो पाती होगा, मतलब कहीं नदी में कूद करके आत्महत्या करूंगी, या विष खा लूंगी, या आत्मदाह कर लूंगी। अब भगवान तो सीता जी की स्थिति को देख रहे, तो देखी दशा रघुपति जी जाना, हठी राखे नहीं राख प्राण। भगवान कैलकुलेट कर दिए कि जबरदस्ती इसको रोक भी दूं
तो ये जीवित नहीं बचेगी। और सीता के स्थिति को देख करके भगवान कहे कि जब चलना ही है तो जल्दी चलो, अब देर क्या करना है, एकदम शीघ्र तैयार हो जाओ। वास्तव में भगवान अपने साइड से सीता को नहीं रोक रहे थे, लेकिन अब सीता जी हो सकता है कि दुख अनुभव करें, कष्ट अनुभव करें, इसलिए वे जंगल के कष्ट का वर्णन कर रहे थे, या भगवान चाह रहे थे कि हम बन जा रहे हैं तो कम से कम माँ को सांत्वना देने के लिए सीता यहाँ रहे। माँ दुखी होगी तो कुछ इतिहास सुना करके उसको सांत्वना देगी, लेकिन भगवान जब देख लिए कि ना इसको जबरदस्ती रखने से ये जीवित नहीं रहेगी, तो भगवान कहे कि ठीक है चलो। अब जब भगवान वन में जाने लगे, सीता जी साथ में है, लक्ष्मण जी साथ में है, तो वे लोग गंगा जी को पार किए, केवट के सहयोग से गंगा जी को पार किए, और गंगा जी को जब पार किए उसके बाद कह रहे हैं कि तब मज्जन करी रघुकुल नाथा पूज पार थी नाजो माथा। शिव जी, भगवान शिव का मूर्ति बनाए, उनके पूजा किए और उनको प्रणाम किया। सिय सुर सर ही कहूं कर जोरी मात मनोरथ पूरवि मोरी। सीता जी भी स्नान की, गंगा जी की पूजा की और हाथ जोड़ करके गंगा जी से कहने लगे, पति देवर संग कुशल पहोरी आई करो जय पूजा तोरी। वे गंगा जी से कहने लगे कि ऐसी कृपा करो कि हम अपने देवर और पति के साथ सकुशल लौट जाए, वन में जा रहे हैं, और सीता देवी अपने देवर और पति, पति और देवर की कुशलता के लिए गंगा जी से प्रार्थना कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि सुनिश्चित विनय प्रेम रस साधी भय तो विमल बारी बरबारी। अब गंगा जी देख रही है कि सीता जी हमसे प्रार्थना कर रही है अपने पति और देवर के कुशलता के लिए, तो एकदम प्रकट पानी से ही आवाज आने लगा, वो नदी से ही पानी से ही आवाज आने लगी। सुनी रघुपीर प्रिया बैते ही तब प्रभाव जग विदित न के ही। पानी से आवाज आने लगा, गंगा जी कहने लगे अरे सुनो सीते, तुम्हारे प्रभाव को कौन नहीं जानता, लोकप हो ही बिलोकत तोरे, तुम जिस पर दृष्टि डाल दो तो वह व्यक्ति लोकपाल बन जाएगा, तो ही से वही सब विधि कर जोरे। और जो देवता लोग हैं तो हाथ जोड़ करके तुम्हारी कृपा कटाक्ष आते हैं, तुम्हारी सेवा करते हैं, और तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई कृपा की निमय देनी बढ़ाई, और तुम ऐसे कातर वचन बोल रही हो ते ये तो हमारी महिमा की स्थापना कर रही। और देखिए सीता जी के क्या पोजीशन है कि जिनके दृष्टि से ही बड़ा बड़ा पद प्राप्त हो जाता है, और देवता लोग प्रयास करते हैं, प्रयास में रहते हैं कि हम पर अनुकूल दृष्टि पड़ जाए। श्रीमद् भागवतम में रास के प्रसंग में जब गोपियां कृष्ण के पास गई तो कृष्ण उनको घर वापस करने लगे, तो कई एक तर्क दे रहे हैं और गोपियां कह रही हैं कि देह दास्य, हमको तो दास्य प्रदान कीजिए, सेवा का अवसर प्रदान कर। कृष्ण कह सकते हैं कि क्या बेवकूफी है तुम, अरे थोड़ा विचार करो, वो अपने घर लौट करके चली जाओगे, अपने पति के घर में जाओगे तो घर का स्वामिनी बनोगे, तो स्वामिनी का पद छोड़ करके दासी क्यों बनना चाहती है। तो गोपियां कह रही हैं कि देखिए हम लोगों के जाति के लिए, स्त्री जाति के लिए आदर्श तो लक्ष्मी जी हैं,
और कह रहे श्रीयत पदाम्बुज रजस चक्र में तुलस्य लब्धा के वक्ष से पदम किल वृत्ति दुष्ट। लक्ष्मी जी की स्थिति है कि लब्धा के वक्ष से पदम, उनको भगवान छाती पर स्थान दिए और एक पद्य वहां पूरा पूरा उनका अधिकार है, कोई दूसरी सवत नहीं, कोई दूसरी स्त्री नहीं। लेकिन वे लक्ष्मी जी भी श्रीय पदाम्बुज रजस चक्र में तुलस्य लंबा वक्षसी पदम किल वृत्ति दुष्ट। वे लक्ष्मी जी भी आपके चरण की सेवा चाहते, दास्य चाहते, आपके चरणों की सेवा चाहते। जबकि भगवान तुलसी जी को अपने चरण में पहले से स्थान दिए और तुलसी लक्ष्मी जी को छाती पर स्थान है, कोई दूसरा नहीं है, एकाधिकार है। और इस सुविधा को छोड़ करके अपने सौत के साथ रहना चाहिए। कोई भी स्त्री सौत के साथ रहना पसंद नहीं करती। तुलसी जी पहले से एक स्त्री है और भ्रष्ट जुष्ट भक्तों का भी स्थान तो चरण कमल, और स्त्री पुरुषों के संघट में है, पुरुषों के भीड़ में पुरुषों के साथ बहुत कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगी। लेकिन श्रीयत पदाम्बुज रजस चक्र में तुलस है और श्री जी की स्थिति है कि आपके चरणों की सेवा चाह रही, सौत के साथ रह करके, पुरुषों के भीड़ में रह करके। और लक्ष्मी जी का क्या पोजीशन है, जस्या स्वीक्षण कृत्य सुर प्रयास। देवता लोग सक्रिय रहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे तरफ देखते, हम पर अनुकूल भाव से दृष्टि रखते। तो जैसे लक्ष्मी जी चरण की सेवा चाहते, दासी बनना चाहते, वैसे भी हम दासी बनना चाहते। तो हम केवल इतना कह रहे हैं कि जस्या स्वीक्षण कृत्य सुर प्रयास है, देवता लोग क्रियाशील रहते, प्रयास करते हैं कि लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिले, उसे पद मिल जाता है। तो गंगा जी कह रही हैं कि लोकप होए विलोकत तोरे, केवल आप दृष्टि डाल दे तो व्यक्ति लोकपाल बन जाएगा। तो इससे वही सब सिद्धि कर जोरे, जितनी भी सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धियां और भी जो गौर सिद्धियां, वे भी हाथ जोड़ करके आपकी सेवा करती है, चाहती है कि आप उनको सेवा में नियुक्त करें। और तुम जो हमें बड़ी विनय सुनाई, कृपा की ने मोहि दीनी बढ़ाई, आप ऐसा विनय वचन बोल रही हैं तो हमारी महिमा स्थापित कर रही हैं, हम आपके आगे क्या है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो तदपि देवी मैं देवी अशीषा सकल हो नहीं तो निज भागी, सफल हो नित निज भागी सा। हमारा पोजीशन वैसा नहीं है, तो हमारा पोजीशन बहुत ऊंचा है, लेकिन फिर भी हमसे कह रही है तो अपने वाणी के उपयोग के लिए, हमारी वाणी आपकी सेवा में लग है तो मैं आशीर्वाद दूंगी। और गंगा जी आशीर्वाद दी, और समझ रहे हैं ना कि सीता जी आशीर्वाद मांग रही है, तो इसलिए अपने वाणी को सफल करने के लिए गंगा जी आशीर्वाद दे रही है। और उसी प्रकार भगवान ब्राह्मणों के चरण में गिर गिर करके कह रहे हैं कि हमको आशीर्वाद दीजिए, तो ब्राह्मण आशीर्वाद देंगे? भगवान तो विनय से युक्त है, नम्रता से युक्त है, गुणात्मक गुण के निधि है, तो आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो इस दृष्टि से यह बिल्कुल अनुरूप है, वे आशीर्वाद मांग रहे हैं, ब्राह्मण दे रहे हैं। तो शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं कि वहां आशीर्वाद सुनाई दे रहा है, ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, और यह अनुरूप भी है अनुरूप भी है, ये योग्य भी है कृष्ण के और अयोग्य भी है। अब कृष्ण को ब्रह्म के दृष्टि से विचार किए तो आशीर्वाद का कोई मतलब नहीं है, लेकिन लीला के दृष्टि से विचार करे तो बहुत उपयोगी है, ये बिल्कुल अनुरूप है। तो इस प्रकार भगवान रथ पर बैठे और इधर उधर जा रहे हैं, स्त्रियां उनको दर्शन कर रही है, कुसुम बरसा रही है, ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, विविध प्रकार के बाजे बज रहे हैं,
अब इसके बाद स्त्रियां आपस में बात करने लगी, वह बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस अंश को हम लोग कल प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण।